तो आइए आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे पोषण अभियान की जो एंट्री है वो आज के दिन यानी 11 तारीख के दिन आप लोगों को कौन कौन सी करनी है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पूरा पूरा जानेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि पोषण अभियान के साइट पर आने के लिए आप लोग गूगल या गूगल क्रोम के माध्यम से यहाँ पर सर्च करेंगे पोषण अभियान। पोषण अभियान लेके जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पोषण अभियान का जो ऑफिशियल पेज है वो देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाटा एंट्री पे आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, डाटा एंट्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे लॉगिन पेज का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल के सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस लैंग्वेज को चेंज कर लेना है जो कि यहाँ से आप लोग ट्रांसलेट का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों का जो लैंग्वेज है वो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी जो आप लोग सेटिंग किए रहेंगे वो आपका यहाँ पर खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि सबसे पहला जो हम लोगों का काम होता है वो है विषय चुनना, यानी कि हमें थीम चुनना है कि किस थीम के अनुसार हमें जो गतिविधि है वो यहाँ पर हमें भरनी है। ठीक है, जैसे कि अभी जो दूसरा सप्ताह चल रहा है इसमें हम लोगों का जो महत्वपूर्ण थीम दिया गया है वो है पोषण भी और पढ़ाई भी। ठीक है, ये हम लोगों का पहला महत्वपूर्ण थीम है। उसके साथ साथ दो और थीम हम लोगों को ऐड करना है, जैसे कि ग्रोथ मॉनिटरिंग और समुदाय आधारित गतिविधियाँ। तो हम लोग 3 थीम के अनुसार जो है 5 एक्टिविटी को यहाँ पे हम लोग भरने वाले हैं। ठीक है, जैसे कई सारी आंगनबाड़ी सेविका बहनें हैं जिनको विषय और गतिविधि को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो उनको मैं यहाँ पे विषय और गतिविधि को आसानी से समझा देता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग विषय को चुनेंगी और किस प्रकार से आप लोग गतिविधि को चुनेंगी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे जो विषय दिया गया है यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे विषय जो है वो खुल के आ जाएगा। अब इस विषय को आप लोग समझ लीजिए कि ये आपका विषय है, ये आप लोगों का जो है एक किताब हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो कविता और कहानी आप लोगों को इस किताब में देखने को मिलेगी उसको यहाँ पे गतिविधि कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मान लीजिए किसी एक किताब को चुनते हैं, जैसे कि ये आपका एक विषय हो गया। ठीक है, पोषण भी पढ़ाई भी, तो ये आपका एक किताब हो गया। ठीक है, अब इस किताब में आप लोगों के लिए जो कविता और कहानी आप उसके अंदर होती है उसको हम लोग यहाँ पे गतिविधि कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग गतिविधि और विषय को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ लेनी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पोषण भी पढ़ाई भी का जो अभी थीम चल रहा है दूसरा सप्ताह, इसमें हम लोगों को कौन कौन सी जो एक्टिविटी है वो आज के दिन यानी 11 तारीख के दिन दर्ज करनी है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पोषण भी पढ़ाई भी का जो पहला थीम है इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे स्तर को चुनेंगे यानी आंगनवाड़ी सेंटर से हम लोगों को इस फॉर्म को फिलअप करना है तो यहाँ पे हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आंगनवाड़ी केंद्र चुनेंगे। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो सारा आंगनवाड़ी सेंटर जो है यहाँ पे खुल के आ जाएगा। आप अपना आंगनवाड़ी सेंटर देख के यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग गतिविधि को चुनेंगे यानी कि हमने जो यहाँ पे विषय चुना है पोषण भी पढ़ाई भी, उस विषय में हम लोग को यहाँ पे इतने सारे जो गतिविधि हैं वो दिए गए हैं तो हम इसमें से किसी एक भी गतिविधि को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों का जो ये थीम चल रहा है वो 8 तारीख से लेके 14 तारीख तक चल रहा है। ठीक है, इसमें आप लोगों को अलग अलग दिन अलग अलग विषय को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे दर्ज करनी है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग 8 तारीख को ये एक्टिविटी कर चुके हैं, 9 तारीख को ये एक्टिविटी कर चुके हैं, 10 तारीख को ये एक्टिविटी कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग आज के दिन क्या करेंगे कि इस एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे या मान लीजिए इसमें से कोई भी एक्टिविटी आप लोग सेलेक्ट कर चुके हैं 8 तारीख से लेके 10 तारीख तक, तो जो एक्टिविटी बचा हुआ है उस एक्टिविटी को आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आज के दिन हम लोग यहाँ पे प्री स्कूल रेडियंस एक्टिविटी एट आंगनवाड़ी सेंटर सेलिब्रेटिंग कमिंग गेटिंग रेडी फॉर प्री स्कूल एट AWC, यानी कि स्कूल जाने से पहले जो बच्चों को हम लोग स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो उस एक्टिविटी को आज हम लोग करेंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आज की तिथि हम लोग डालेंगे यानी 11 तारीख। ठीक है, इसमें भी हम लोग 11 तारीख डालेंगे। इस एक्टिविटी में कितने लोग शामिल थे उसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पुरुषों की संख्या डालनी है, जैसे कि जो बच्चों के माता पिता हैं अगर उस एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो उनकी संख्या हम लोग यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो पुरुष की संख्या
यहाँ पे हम 5 डाल देते हैं, ठीक है। महिला की संख्या यहाँ पे हम 8 डाल देते हैं, और बच्चे जो है यहाँ पे कितने बच्चे मौजूद है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बच्चियों की संख्या डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडोलसेंट गर्ल्स का जो ऑप्शन है, इसमें भी कुछ बच्चियों की संख्या हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से डालने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि इस एक्टिविटी के दौरान अगर कोई भी फोटो आप लोग कैप्चर किए होंगे तो उस फोटो को यहाँ पे क्लिक करके आप उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग ऐसे ही आएंगे और इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। आप लोगों का आज का ये पहला एक्टिविटी कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग ऊपर आएंगे और यहाँ पे विषय को फिर से चुनेंगे और हम लोग थीम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा एक एक्टिविटी यहाँ से हो चुका है, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक और एक्टिविटी आप लोग इसी थीम के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि विकास की निगरानी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग का ये विकास निगरानी जो है वो पूरे महीने चलने वाला है, तो इसमें से हम लोगों को पर डे जो है एक या दो एक्टिविटी को यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए आज के दिन भी हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे विकास की निगरानी का जो थीम है हमने सिलेक्ट कर लिया है। नीचे आएंगे, यहाँ पे स्तर को सिलेक्ट करेंगे, किस स्तर से हम लोग को ये फॉर्म को अपलोड करना है। आंगनबाड़ी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, बाद आप अपना आंगनबाड़ी केंद्र को यहाँ से चुनेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे और गतिविधि को सिलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे गतिविधि पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 3, 4, 5 जो एक्टिविटी है आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे इस एक्टिविटी को करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ से आके हम लोग इसका जो डेट है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर से यहाँ पे आके हम लोग इसका डेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस एक्टिविटी के दौरान कितने लोग मौजूद हैं वो संख्या यहाँ पे हम लोग भर देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप लोगों को बस एक बार थीम और जो है एक्टिविटी को समझ लेना है तो आप लोग आसानी से यहाँ पर डे की जो है एंट्री आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बस आप लोगों को समझना है थीम और गतिविधि, ठीक है। यहाँ पे हम लोग संख्या डाल चुके हैं, उसके बाद फोटो वगैरह अपलोड करना चाहें तो करेंगे, नहीं तो आके यहाँ पर हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। हमारा दो एक्टिविटी हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग तीसरे एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं, यानी कि फिर से हमें विषय चुनना होगा। तो यहाँ पे हम विषय पे क्लिक करेंगे और हमारा तीसरा जो थीम है यहाँ पे जन संवेदीकरण गतिविधियाँ, समुदाय आधारित गतिविधियाँ जो होती है उसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आंगनबाड़ी लेवल सिलेक्ट करेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम गतिविधि को सिलेक्ट करेंगे। तो इस समुदाय आधारित थीम में आप लोगों को यहाँ पे ये सारी गतिविधि जो है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे साइकिल रैली का जो इवेंट है वो कर चुके हैं, आप यहाँ पे वॉक का इवेंट कर सकती हैं, प्रभात फेरी का इवेंट कर सकते हैं, यानी तीन एक्टिविटी आप लोगों को यहाँ पे ही देखने को मिल जाएगी। एक एक्टिविटी यहाँ पे कर सकती हैं, एक एक्टिविटी ये हो गया। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे जो है ये सारी एक्टिविटी को देख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में इनमें से सभी एक्टिविटीज़ को कर चुके हैं तो आप लोग अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं, या कोई भी एक्टिविटी अभी बचा हुआ है जैसे प्रभात फेरी, साइकिल रैली, तो आप लोग इस पर भी क्लिक करके जो है यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोगों को फिर से क्या करना है कि डेट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर से यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर इसका संख्या डाल देना है कितने लोग मौजूद थे इस एक्टिविटी के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर हम संख्या को डाल देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आकर हम इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तीन एक्टिविटी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फिर से आएंगे और यहाँ पे विषय को चुनेंगे, विषय पे क्लिक करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसी थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जन संवेदीकरण गतिविधियाँ यानी समुदाय आधारित गतिविधियाँ जो होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लेवल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम आंगनबाड़ी केंद्र सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर हम आके गतिविधि को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे साइकिल रैली आज कर लिया है और आज ही प्रभात फेरी कर रहे हैं, तो प्रभात फेरी का भी यही ऑप्शन आप लोगों के लिए दिया गया है, तो आप लोग इसी ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ स्पोर्ट डे का जो आयोजन है वो नहीं किए होंगे तो आप लोग कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन कैंप का आयोजन नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, एंटीनेटल चेकअप का आयोजन नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर ये ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, दूसरे वाले ऑप्शन को। उसके बाद यहाँ पर जो डेट है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस अभियान में कितने लोग शामिल थे उसकी संख्या हम लोग डालेंगे। इस प्रकार से आप लोग आसानी से पर डे की जो एक्टिविटी है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आकर इसको हम सबमिट कर देंगे। तो हमारा 4 एक्टिविटी हो चुका है, अब हम लोग 5वां एक्टिविटी किसमें से करेंगे।
तो हम लोग यहाँ पे पांचवा एक्टिविटी को सेलेक्ट करने के लिए फिर से यहाँ पे हम लोग विषय चुनेंगे, ठीक है। विषय में आप लोग यहाँ पे आपको बताया है कि तीन ही थीम चुनना है, इस तीन थीम से ही आप लोगों को पांच एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा चार एक्टिविटी हो चुका है, तो हम लोग पोषण भी पढ़ाई से भी एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पोषण भी पढ़ाई का विषय चुन लिए हैं। यहाँ पे स्तर को चुनेंगे, यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र को चुनेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे गतिविधि को चुनेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में क्या किए हैं, इसको सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इस एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इस डेट को सिलेक्ट करेंगे, आज के डेट को, फिर से यहाँ पे हम डेट को सिलेक्ट करेंगे और जो इस अभियान में शामिल हुए लोग हैं उनकी संख्या डालेंगे। यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो कुल यहाँ पे क्या हुआ कि पांच एक्टिविटी 11 तारीख के दिन कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आप लोग को क्या करना है, 8 से लेकर 14 तारीख के बीच तीन थीम के अनुसार पांच पांच एक्टिविटी आप लोगों को रोज दर्ज करनी है, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में क्लियरली जानकारी दे दी है कि किस प्रकार से आप लोगों को आज की जो एक्टिविटी है वो सिलेक्ट करनी है। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। और इस पोषण अभियान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।